एक्सेल के अंदर फार्मूला और फंक्शन दो चीज़ें यूज़ होती हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है? अ फार्मूला इज एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल, एंड फंक्शन आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज एंड आर ऑलरेडी अवेलेबल इन एक्सेल। इन दोनों का डिफरेंस अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फार्मूलाज आर इक्वेशन दैट परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन अ वैल्यू इन योर वर्कशीट, एंड फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल साइन। फार्मूला जो है वो हमेशा इक्वल साइन से ही स्टार्ट होगा। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि फार्मूला और फंक्शन, लेट्स से आपके पास दो वैल्यूज़ हैं और आप इनको, ये आपने एक फार्मूला डेवलप किया, आपने कहा P5 + C5, सो उसने उनको ऐड करके शो कर दिया। दैट इज़ फार्मूला इक्वेशन, जो कि आपने एक इक्वेशन बनाई और ये स्टार्ट इक्वल से हो रही है। इसी तरह अगर आपने इसी को बिल्ट इन, जो कि एक्सेल के अंदर बिल्ट इन अवेलेबल बने बनाए सी के एक्सेल के अंदर अवेलेबल फंक्शंस जो हैं वो आप यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ एज ए प्री डिफाइंड फंक्शंस। सो फार्मूला जो है दैट इज़ इक्वेशन, और ये आप बिल्ड करते हैं, एंड फार्मूला आल्सो कंटेन अ बिल्ट इन फंक्शन। एक फार्मूले के अंदर बिल्ट इन फंक्शन हो सकता है, लाइक अब यहाँ पे ये सम फार्मूला है, और मैं यहाँ पे सपोज लेट से 96 × 2, तो अब आपके पास ये एक फार्मूले में कन्वर्ट हो गया जिसके अंदर आपने बिल्ट इन फंक्शन सम भी यूज़ किया हुआ है, उसमें प्लस 96 आप ऐड कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, दैट बिकम फार्मूला। सो दैट इज़ लिटिल डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फार्मूला। तो अ फार्मूला कैन कंटेन एनी और ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस, हो सकता है फार्मूला के अंदर रेफरेंसेस सेल एड्रेसेस हो सकते हैं, ऑपरेटर ऑपरेटर प्लस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन डिवीजन और कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती हैं। ये हमारे पास एक नीचे फार्मूला है जिसमें आपने बिल्ट इन फंक्शन पाई यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन। स्टेरिक इज़ ए ऑपरेटर, A2 इज़ ए रेफरेंस सेल एड्रेस आपने यूज़ किया, दैट इज़ कैरेट साइन रेज टू पावर, और उसमें आपने कांस्टेंट वैल्यू 2 यूज़ की हुई है, सो दैट इज़ द फार्मूला। तो इस फार्मूले के अंदर आपके पास फंक्शन भी हैं जो आप बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इसमें ऑपरेटर भी हैं, रेफरेंसेस भी हैं और कांस्टेंट भी हैं, सो देयर